भारत चीन के बीच सीमा पर फायरिंग, पैगोंग इलाके के पास वार्निंग शॉट फायर, 1975 के बाद पहली बार फायरिंग की घटना, चीन की साजिश को भारतीय सेना ने किया फेल। भारत और चीन की सेना के बीच सोमवार की रात को लद्दाख सीमा पर फायरिंग हुई। चीनी सेना ने जब भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की तो उसे रोका गया, लेकिन जब नहीं माने तो वार्निंग फायर किया गया। ये फायरिंग की घटना तब हुई जब दोनों देशों की सेना के ब्रिगेड कमांडर शांति की बात कर रहे थे। भारत चीन के बीच लद्दाख सीमा के पास ये फायरिंग की घटना तब हुई जब पास में ही चुशुल मोल्डो इलाके में भारत चीना के ब्रिगेड कमांडर अफसर तनाव कम करने को लेकर बात कर रहे थे। चुशुल के पास बीपीएम पोस्ट के दक्षिणी इलाके में ये गोलीबारी की घटना हुई, जहां चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की, फिर थोड़ी झड़प हुई और चीनी सेना ने पहले वार्निंग शॉट फायर किया। इसके बाद भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को उनकी सीमा में खदेड़ दिया। इस घटना के बाद अचानक चुशुल इलाके में बड़ी संख्या में सैनिकों का जमावड़ा हो गया था। ये मामला और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन वक्त रहते हुए बड़े अफसरों ने इसमें दखल देकर शांत करवाया। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये घटना 7 सितंबर को शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच की है। पैगोंग में एक चाइनीज पेट्रोल ट्रिप भारतीय पोस्ट के काफी करीब आ गई थी। भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों की हरकत को पहचाना और अपने इलाके में मुस्तैदी से जम गए। गुरुंग हिल और राजंगला हिल के बीच हुई इस घटना के दौरान ही वार्निंग फायरिंग शॉट दागे गए थे। ये घटना बिल्कुल उसी तरह की थी जैसे हेलमेट टॉप पर पिछले हफ्ते झड़प हुई थी। भारत ने जब से हेलमेट और काला टॉप पर कब्जा किया है, तभी से ही चीनी सेना इस तरह की हरकत कर रही है, लेकिन चीन अब तक अपनी कोशिश में सफल नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि ऐसा करीब 4 दशक के बाद हुआ है जब भारत चीन सीमा पर फायरिंग हुई हो। यही कारण है कि तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय सेना की ओर से अभी बीते दिन की घटना पर आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन चीन ने बयान जारी कर भारत पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। इससे पहले भी चीन की ओर से कई बार एक और तो बातचीत करने की कोशिश की गई और फिर दूसरी ओर से घुसपैठ की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।